हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर आप एमईए में एएसओ लगते हैं तो उसमें उस जॉब में वर्क रूटीन लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। तो देखिए, असिस्टेंट इन एमईओ अगर आप लगते हैं तो किस तरीके से आप लग सकते हैं। पहली बात तो पोस्टिंग दो तरीके से होते हैं, एज ए जनरल असिस्टेंट, एज ए साइफर। जनरली ज्यादातर बच्चे जनरल असिस्टेंट के थ्रू ही लगते हैं, इसकी पोस्ट ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, इसमें फाइल रिलेटेड काम होता है, जैसे प्लानिंग एंड एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एमओयू, जो अलग अलग नेशंस के बीच में साइन होते हैं ना, उसकी फाइलिंग का वर्क आपको करना होता है। कोऑर्डिनेशन अलग अलग ऑफिसेज ऑफ कंसल्टिंग एंड द हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, मतलब अलग अलग नेशंस में जो बीच में एमओयू उनके साइन होते हैं, किसी भी मतलब प्लानिंग की जाती है किसी भी चीज की, और इसके अलावा उनके बीच में जो फाइलिंग वर्क होता है, स्टार्टिंग आपको इस लेवल पे काम करना होता है। उसके बाद पहले तो ये देखिए कि आप एमईए में जब एएसओ लगते हैं उसके बाद प्रमोशन लेकर आप कहाँ तक जा सकते हैं। पहली बात तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते हैं एएसओ, उसके बाद असिस्टेंट से हटके डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, और उसके बाद ये बन जाएंगे 4 से 5 साल में। टोटल सर्विस के 11-12 साल बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, और ये वो पोस्ट होती है जहां से यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट इस फील्ड में ज्वाइन करता है। ठीक है, अगर यूपीएससी से एमईए के थ्रू ज्वाइनिंग एमईए में लेते हैं तो स्टार्टिंग ही आपकी अंडर सेक्रेटरी से होती है, लेकिन एसएससी के थ्रू अगर आप लगेंगे तो 11 से 12 साल आपको लगेंगे यहां तक पहुंचने में। एटलीस्ट 11 से 12 साल में आप एक आईएएस के लेवल तक की पोस्ट तक तो पहुंच ही सकते हैं। और उसके बाद अगर प्रमोशन होती है तो डिप्टी डायरेक्टर उस या सेक्रेटरी कह सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टर लेवल तक की पोस्ट तक आप प्रमोशन लेके जा सकते हैं। ये आपका प्रमोशन का चार्ट रहेगा जब तक आप नौकरी कर रहे हैं उसमें। उसके बाद और देखते हैं ट्रेनिंग, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना उसके बाद, ऐसा ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पक्का होती है भाई। काम को सिखाने के लिए आप किसी भी, ये तो किसी भी नौकरी में जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो उस ज्वाइनिंग काम में आपको क्या काम करना है उस नौकरी में, उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग कई बार ज्वाइनिंग के बाद हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि काफी टाइम बाद भी होती है। इमीडिएट ट्रेनिंग ज्वाइनिंग नहीं होती जनरली, ठीक है, लेकिन जब आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है ना, आपको किसी और देश में जाने का जब मौका मिलेगा तो आपको ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। वो इसलिए कि आप जिस देश में जा रहे हो वहां की भाषा आपको आनी चाहिए, अगर वहां की भाषा आपको नहीं आती तो वहां पे आप रह ही नहीं पाएंगे, मतलब कम्युनिकेशन कैसे करेंगे लोगों के साथ। तो इसीलिए फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये कंपलसरी होता है फॉरेन जाने के लिए। ठीक है, यानी उस भाषा को आप पहले सीखोगे, फिर आप उसका टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद जब आप उसमें पास हो जाते हो यानी लैंग्वेज में आपकी वो पकड़ हो जाती है, तो आप उस देश में जाने के लिए एलिजिबल माने जाते हो। ठीक है, और जो ट्रेनिंग होती है ना वो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट जो है वो न्यू दिल्ली में है, जेएनयू में, वहां पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। डेली रूटीन लाइफ देखोगे आप, अलाउंस क्या क्या होते हैं, देखो स्टार्टिंग में जो एमईए में होता है ना वो आपको अकोमोडेशन दी जाती है, फ्लैट्स मिलते हैं चाणक्यपुरी में मिलते हैं और द्वारका में, एमईए के जनरली फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं। और जैसे बाकी पोस्टिंग में काफी लंबा टाइम लगता है फ्लैट देने में, ठीक है, वहां पे वेटिंग होती है, इसमें वेटिंग कम होती है, यहाँ आपको फ्लैट जो है वो जल्दी मिल जाता है। सैलरी 50 से 52, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है, अभी 50 से 52 की बजाय लगभग ये 60,000 तक आपकी हो चुकी है। ठीक है, सब्सिडाइज्ड फूड, ये बहुत बढ़िया चीज होती है। देखो ये आपको बताओ अभी सब्सिडाइज्ड फूड क्या होता है। देखो मान लीजिए आप मैकडी में खाना खाने गए, मैकडी में बर्गर खाने गए, ठीक है, या किसी और बड़े से आउटलेट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जो रेट वो बाहर होते हैं ना उससे काफी सस्ते रेट अंदर होते हैं। ठीक है, यानी एमईए के अंदर जो कैंटीन होती है ना वहां आपको खाना बहुत सस्ते रेट पर मिलता है। ये सरकारी सुविधा बड़ी अच्छी होती है यार। ठीक है, यानी आप खाना खाना चाहो तो अंदर ही खाओ, वो भी बहुत सब्सिडाइज पे। जैसे कि संसद के अंदर भी जो कैंटीन है वहां पे हर चीज बहुत सस्ती है, ऐसे ही एमईए के अंदर जो आपको कैंटीन मिलेगी वहां सब्सिडाइज फूड मिलेगा। और उसके अलावा फॉरन पोस्टिंग 3 साल बाद ले सकते हो, ऐसा नहीं है भाई आपने कल ज्वाइन करा हो कल ही आप उड़ गए फॉरन की तरफ, नहीं, पहले 3 साल आपको अपने यहाँ पे इंडिया में काम करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी फॉरन पोस्टिंग की चांस बढ़ेंगे। और फॉरन पोस्टिंग में क्या होगा, आपको बेस्ट हॉस्पिटल उस कंट्री में जो होगा, आपके चिल्ड्रन जो है बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में जाएंगे, यानी जो आगे आगे की आपकी लाइफ है ना वो उस कंट्री में जो बेस्ट चीजें हैं आप उसके लिए ही एंटाइटल हो सीधा। ठीक है, आपके जो बच्चे होंगे वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आपको वहाँ पे किसी सरकारी स्कूल या नॉर्मल से स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, नहीं, वहाँ कोटा होता है। ठीक है, वहाँ कोटे में आपके बच्चे आराम से पढ़ेंगे। फुली फर्निश्ड एकोमोडेशन आपको मिलेगा, और इसके अलावा असिस्टेंट इन एमईए इज अलाउड टू फ्री ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास टू द फॉरेन लोकेशन। ठीक है, और
आप अगर इंडिया से फॉरेन जा रहे हो तो 1500 के लोग अपना सामान तक लेके जा सकते हो वहां पे। तो ये सारी चीजें आपको जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी में मिलेगी। और फर्स्ट प्रमोशन जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन ऑफिसर 4 से 5 साल लगेंगे, क्लरिकल डिपार्टमेंट एग्जाम अंदर उनका एग्जाम होता है और उसके बाद उसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं। और अगर आप एग्जाम नहीं देते, आप चाहते हो कि भी एग्जाम मुझे नहीं देना, लेकिन सीनियरिटी बेसिस पे, यानी दो तरीके से होता है। एक तो आप एग्जाम देके तुरंत प्रमोशन पा सकते हैं, एक क्या होता है कि आप अपना काम करते रहिए और जब आपकी उम्र हो जाएगी यानी एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा 10 से 14 साल का, तो ऑटोमेटिक आप उसमें सेक्शन ऑफिसर में कन्वर्ट हो जाओगे। उसके बाद एसओ तक जाने में 9 से 12 साल लगते हैं, वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अंडर सेक्रेटरी के बाद, ठीक है, एसओ से अंडर सेक्रेटरी में 9 से 12 साल, और अंडर सेक्रेटरी के बाद तो भाई आईएफएस तक पहुंचने में टाइम बेस होता है, उस पर्टिकुलर प्रमोशन में कितना टाइम लगेगा। सैलरी डिपेंडेंट ऑन विच कंट्री यू आर पोस्टेड, देखो ये चेंज होती है यार, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको 55-60 हजार मिल रहे हैं तो आप किसी भी कंट्री में जाओ आपकी सैलरी यही रहेगी, नहीं। जैसे आप अगर यूएसए में जाते हैं तो भाई एक यूएसए का डॉलर जो है वो 75 रुपए के आसपास है ना, तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट होता है उस पर भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी। जनरली ये 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ तक हो जाती है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वहां खर्चे भी तो उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे ना। तो आपकी अप्रोक्सीमेट एवरेज जो मैं आपको बताऊं कि सैलरी जो होगी फॉरन जाने के बाद वो 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। ऑल्सो डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्राइस इंडेक्स, करेंसी एक्सचेंज रेट, करेंसी वैल्यूएशन रेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑफिशियल पासपोर्ट व्हाइट कलर, देखो ये खास बात है, आप में से अगर किसी ने पासपोर्ट अपना बनवा रखा हो, जानते भी होंगे पासपोर्ट के बारे में, वो आपका जो होता है वो कोई और कलर का होता है, व्हाइट कलर का पासपोर्ट आपका नहीं होता, ठीक है। 3 टाइप के पासपोर्ट होते हैं, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का और मैरून कलर का। मैरून कलर का पासपोर्ट तो भाई जो एक अपने भारत सरकार में उच्च पदों पर है ना उनके लिए होता है मैरून कलर का, जो अपने नेता होते हैं जैसे हमारे, ठीक है, मोदी जी हैं या सीएम साहब हैं, उन सबके मैरून पासपोर्ट होंगे। जो सेकंड नंबर पे यानी भारत सरकार के एम्प्लॉय होंगे ना उनका व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता है और नॉर्मल का ब्लू कलर का होता है, तो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये एक इसकी खास बात है कि आपके पासपोर्ट का कलर भी अलग होगा। एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो पोस्टिंग, हाँ देखो ये अलग अलग कंट्री है, जो मैंने बताया ना कि 3 साल बाद आपको प्रमोशन लेके आप किसी फॉरन में पोस्ट हो सकते हैं, तो अलग अलग लेवल कंट्री के बनाए गए हैं। ए प्लस कंट्री में न्यूयॉर्क, टोरंटो, वाशिंगटन डीसी, वेलिंगटन, जेनेवा है। ए में लंदन, पेरिस, मैड्रिड, मेक्सिको, टोक्यो है। बी में है चिकागो, वर्षो, ज्यूरिच, सिडनी, ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया की कंट्री भी देखो कितनी, क्या नाम है ये, न्यूजीलैंड जो, या फिर जो इतनी शानदार कंट्री है वो भी बी ग्रेड में है। सी ग्रेड में आते हैं थिम्फू, कुफेट, बैंकॉक। थाईलैंड जो है वो सी में आता है। हार्ड सी इसमें काबुल और ये कंट्री जो है अलग अलग, जो मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इस तरीके की कंट्री है वो हार्ड सी में आती है। लेकिन खास बात क्या है कि अगर आपकी शुरुआत होगी ना तो आपको शुरुआत में न्यूयॉर्क नहीं भेज देंगे कि भाई बैग उठा ले न्यूयॉर्क पहुंच जा, इतना आसान नहीं होता। शुरुआत आपकी होती है सी और हार्ड सी से, सी और हार्ड सी में से एक कंट्री से आपकी शुरुआत होगी, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे आपका टाइम पीरियड 3 साल का टाइम पीरियड होता है कंट्री में आपका, 3 साल आप एक कंट्री में रह लोगे, वहां जो एम्बेसी के फ्लाइट्स होते हैं अलग अलग होते हैं। इंडिया में आपने देखा होगा दिल्ली में जाओगे ना तो वहां अलग अलग जो है एम्बेसी बनी हुई है, यूएस की एम्बेसी है, जापान की, इस तरीके से अलग अलग एम्बेसी है। और वो एक जो एम्बेसी होती है ना सारी, वो भी अपने आप में एक अलग दुनिया होती है। वहां आपको एम्बेसी का सब कुछ अलग होता है, ठीक है, वहां हॉस्पिटल, वहां के स्पोर्ट्स और वहां के लिए जितने भी फैसिलिटी है वो सारी पूरी कंट्री से अलग एक हो जाती है, वो देश के अंदर एक देश हो जाता है। तो ऐसे ही जो आप किसी कंट्री में जाओगे तो वहां इंडियन एम्बेसी में रहोगे, इंडियन एम्बेसी में वहां पे आपको रहने को मिलेगा। शुरुआत आपकी सी और हार्ड सी कंट्री से होती है, ठीक है। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है, एक तो आप घूमने जाओ दूसरी कंट्री में, एक आप एमई में पोस्टिंग लेके भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पे जाओ वहां पे, तो वहां पे आपको ऐसे वैसे कोई भी मतलब चाहे छोटी मोटी सी कहीं पे मान लो कोई बात भी हो जाती है तो आपके पास कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर जो है वारंट आपका अंडर वारंट लेके नहीं आ सकता, आपको गिरफ्तार करने नहीं पहुंच सकता, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी उनको एम्बेसी से, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ही सेफ्टी का क्योंकि मामला होता है, और जो भारत का प्रतिनिधित्व आप करोगे वहां पे तो आपको कोई भी एरा गैरा नथू गैरा वहां जाके नहीं पकड़ सकता, आपकी आप एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो वहां पे जाके, तो भाई इतनी फैसिलिटी तो आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन शुरुआत आपकी यहाँ से होती है सी और हार्ड सी से। और ऐसा भी नहीं है कि आप
कंपल्शन है आपका जाना। आप चाहो तो भाई मना भी कर सकते हो कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। लेकिन जब आप मना कर देते हो ना, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए, 2 साल 3 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है कि आप अगली कंट्री किसी में नहीं जा सकते अगले 2-3 साल तक। उसका भी रीजन होता है भाई, जब पूरा सरकारी सिस्टम से वो एक सिस्टम बन के आया जहां पे आपको जाने के लिए कहा गया और आपने मना कर दिया, तो वो सिस्टम टूटेगा सारा ही, वहां पे काम जो है रुकेगा, फिर दोबारा से वो जो है प्रोसेस शुरू होगा। इस वजह से अगर आप कंट्री में जाने से मना करते हैं तो आपको 2 या 3 साल के लिए बैन भी कर दिए जाते हैं। हाँ, एक खास बात हो रहा है, जो ये पाकिस्तान है ना, वैसे तो आपको 3 साल तक एक कंट्री में रहना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान आती है तो 1.5 साल में ही आपको वहां से 3 साल के बराबर मान के निकाल लिया जाता है। भाई 1.5 साल में जिंदा बच के आगे पाकिस्तान से तो बहुत बड़ी बात है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी वैसे कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी है ना, तो वहां भी उतनी ही सेफ्टी है वहां पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से शुरुआत होती है, फिर आप बी ग्रेड मिलती है, फिर ए ग्रेड मिलती है, और फिर ए प्लस ग्रेड होता है। तो इस तरीके से आप सरकारी पैसों पर, ठीक है, सरकारी पैसों पर अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो इससे बेटर जॉब आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पर्क्स इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है, 4600 ग्रेड पे है, सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब इस पे होता है। फॉरेन पोस्टिंग यहाँ पे मिलेगी। सोशल रिस्पेक्ट, भाई सामाजिक जो है आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगी ही मिलेगी अगर आप इतनी अच्छी पोस्ट एक्वायर कर पाते हो तो। वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे ना प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता कि भाई आप सुबह से लेकर रात तक दिन रात ड्यूटी पे लगे हो, नहीं, एक फिक्स ड्यूटी होती है, आप आराम से काम कर सकते हैं। वेल फर्निश्ड एसी क्यूबिकल्स फॉर वर्किंग, यानी आपको एक शानदार एसी वाला ऑफिस दिया जाता है बैठ के काम करने के लिए, कोई धूप में जाने का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चांस ऑफ प्रिपेयरिंग आईएएस एग्जाम पीसीएस एग्जाम, अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इस जॉब में इतना टाइम है कि आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। फिक्स टाइम की जॉब है, एक बहुत अच्छी लाइफ आप यहाँ पे जी सकते हैं। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट भी यहाँ पे अलाउड होते हैं। और आखिरी में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, व्हाइट पासपोर्ट, देखिए इस तरीके का होता है व्हाइट पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, सरकारी पासपोर्ट लिखा होता है, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये मिल पाता है सरकारी पासपोर्ट। और उसके बाद कट ऑफ, भाई अगर मार्क्स अच्छे लाओगे तभी ये जॉब मिलेगी। भाई इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना इसके लिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़े बहुत नंबर लाते आप इस तरीके से ये वाली पोस्ट ले लोगे, इसके लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। एसएससी की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है ना, वो जनरली एमईए की ही जाती है, ठीक है। लोग यहाँ पे जाने के लिए मरते हैं, और इसके लिए आपको एटलीस्ट सिंगल डिजिट नहीं तो 2 डिजिट के अंदर तो रैंक लानी ही पड़ेगी, यानी आपको एटलीस्ट टॉप 100 के अंदर आना पड़ेगा अगर आपको इस जॉब को लेना चाहते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है या पॉसिबिलिटी ना हो, नहीं, पॉसिबिलिटी है, दुनिया लेके आती है भाई, हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी पड़ेगी। भाई सीजीएल का एग्जाम हर साल एक बार होता है, ठीक है, और उससे अच्छी इसकी अच्छी तैयारी करनी है तो वेटिकन ऐप बेस्ट है। आप वेटिकन ऐप पर आइए, एसएससी सीजीएल का बैच आपको वहां पे मिलेगा, जिसमें शानदार तरीके से मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एक कॉम्बो आपको मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट का ही बोलबाला होता है। और हमारे यूट्यूब क्लास से भी आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, डेली हम वहां पे क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कट ऑफ, ये सब कट ऑफ जो है ना ये 700 में से है, पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या 200 नंबर का प्री 400 नंबर मीन्स के होते हैं इंग्लिश और मैथ, ठीक है, इंग्लिश भी 200 नंबर, मैथ भी 200 नंबर, और 100 नंबर टीयर 3 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव। तो ये 700 नंबर का पेपर होता है टोटल 3 पार्ट में। 700 में से 2016 में कट ऑफ हुई थी 558 की, ठीक है, 700 में से 558 आपको लाने होंगे। 2017 में गई थी 576 की, अब 2018 में 632 की, 700 में से 632 आए थे भाई। नॉर्मलाइजेशन था, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये अचीवेबल नहीं है 700 में से 632। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप मेहनत करो, ये नंबर पक्का अचीवेबल है, लेकिन आपको तैयारी फिर उसी लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एमईए के बारे में मैंने आपको बताया, कैसी लगी एमईए की लाइफ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से हम अलग अलग पोस्ट के बारे में आपको बताते रहेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे दोबारा, बाय बाय।